हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी एग्जाम्स 2024 के लिए टॉप प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, कम से कम बेहतरीन तरीके से तैयारी के लिए आप हमारे साथ जल्द से जल्द जुड़ जाइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा हर एक आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए बिना देर के प्रश्न की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर एक स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है दोस्तों। निम्नलिखित में से बताना है आपको कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लोथल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला जो कि धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था। तो दोस्तों सारनाथ में दिया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की थी। दोस्तों ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सत्य शोधक समाज, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर या महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ। 1916, 1911, 1924, 1925। तो दोस्तों इस प्रकार ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि यानी 1916, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे। ऑप्शन सही 11, 9, 5, 7। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपके सामने 1930 में बिहार में किसान का यानी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है दोस्तों, सी आर दास, स्वामी सहजादनंद, मुजफ्फर अहमद या राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों ऑप्शन इस प्रकार है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी सहजादनंद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है यह कथन किसका है। दोस्तों ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, अरस्तु या महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों तो इसका सही जवाब है 26 नवंबर 1949। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 10, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, बौद्ध धर्म, राज्य पुनर्गठन आयोग या संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो दोस्तों इस प्रकार ऑप्शंस हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के जो कि न्याय उल्लेख हैं। ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की। ठीक है, ऑप्शंस हैं हॉब्स, रूसो, लॉक, टी एच ग्रीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हॉब्स, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। राज्य सूची पर, ठीक है, ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ, समवर्ती सूची पर, राज्य एवं समवर्ती सूची पर या संघ राज्य एवं समवर्ती सूची पर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य एवं समवर्ती सूची पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र प्रेषित जो है कि करता है, यानी किसको करता है। दोस्तों तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो कहलाते हैं, यानी वो क्या कहलाता है दोस्तों, पार्षद, वार्ड, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र या संसद। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वार्ड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 16, संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक को दिए गए एक ऐसे चेक के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार ही देय होगा। तो दोस्तों ऑप्शंस हैं के टी शाह, के एम मुंशी,
वी आर अम्बेडकर या आइंस्टीन? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा के टी शाह, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्क्रीन पे है आपके सामने। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के शपथ, जो है कि मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? इस प्रकार ऑप्शंस हैं दोस्तों, ठीक है, नितिन पटेल, विजय रूपाणी, सौरभ पटेल या रमणलाल वोरा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विजय रूपाणी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? बृहस्पति, वरुण, यूरेनस या शुक्र? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपके सामने। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली परिकल्पना रेखा कौन सी है? ऑप्शंस हैं समदाब रेखा, समवर्षा रेखा, समतापी या समताप रेखा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो कि समवर्षा रेखा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है स्क्रीन पे आपके सामने, सवाल नंबर 20। निम्नलिखित में से, यानी निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका राष्ट्र में से किसने दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, यानी ठीक है अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है, गुयाना या ब्राजील, कोलंबिया या इक्वेडोर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ऑप्शंस हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राजील, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरादाबाद खाली स्थान के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में जो हस्तकला उद्योग में अपना आला, ठीक है, अपना विकला स्थान बनाया है। ऑप्शंस हैं, आला मतलब पहला होता है दोस्तों, ऑप्शन इस प्रकार है पीतल, हीरा, तांबा, स्टील। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पीतल, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो है कि टांगनिका झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि अफ्रीका में ही स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश भारत के जो है कि अलावास किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? लाओस, म्यांमार, भूटान, चीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, इन म्यांमार। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आज के वीडियो में ओनली 23 क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और एक सभी टॉप प्रश्न हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, और जितने भी छात्र जो है कि वीडियो पूरा नहीं देख पाए हैं, सभी वीडियो का लिंक जो है कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं दोस्तों। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे सभी का वीडियो मैंने बनाकर डाल दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।